नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज फिर एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर चार बल्ब लगे हुए हैं और चार बटन दिखाई दे रहे हैं, एक LCD स्क्रीन है, तो डेफिनेटली ये भी एक होम ऑटोमेशन का सर्किट है। आइए खोल के दिखाता हूँ उसके अंदर क्या क्या है। देखिए यहाँ पर एक I2C LCD लगी हुई है जिसके नीचे चार स्विच है। यहाँ पर एक GSM मॉड्यूल लगा हुआ है, SIM 900A, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिम कार्ड लगा हुआ है और एक चार चैनल का 5V का रिले मॉड्यूल है। और इसके ऊपर देखिए ये क्या लगा हुआ है, ये आर्डुनो नैनो है। जी हाँ, कम स्पेस में मैंने इसे फिक्स कर दिया है रिले मॉड्यूल के ऊपर ही, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। ये GSM रिलेज है, ठीक है। SMS करके हम किसी भी रिले को ऑन और ऑफ कर पाएंगे और उसका स्टेटस हमें इस LCD स्क्रीन पर दिखाई देगा। और केवल SMS से ही नहीं, यहाँ पर चार बटन दिए गए हैं, चार बटन से भी हम उसे ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे हमारे GSM मॉड्यूल को, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ, ये ऑन हो जाएगा। आप देखिए ज़रा, यहाँ पर दो बल्ब जो है ऑलरेडी ऑन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टाइम इसको ऑफ करने से पहले ये दोनों को ऑन करने का कमांड दिया गया था, इसलिए ये ऑन रहेंगे। इसकी मेमोरी में स्टेटस सेव रहता है, ठीक है, कि पिछली बार जो चीज़ ऑन थी वो चीज़ अभी भी ऑन मिले। ओके, अगर लाइट चली जाती है और वापस आती है तो पुराना डिवाइस ऑन ही रहेगा जो पहले ऑन था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटस अभी दिखाई देगा चारों स्विच का। पूरी तरह से ऑन होने में इसे टाइम लगता है क्योंकि इसमें सिम कार्ड है, आप जानते हैं सिम कार्ड जैसे ही नेटवर्क कैच करेगा उसके बाद ये पूरी तरह से ऑन होता है। तो जैसे ही वो ऑन होगा एक SMS हमारे पास आएगा, ठीक है। SMS जो आएगा उसके अंदर क्लियरली स्टेट किया हुआ होगा कि वेरोनिका ऑनलाइन हो गई है। अब वेरोनिका कौन है? दोस्तों मैंने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम वेरोनिका दिया है, ठीक है। तो वेरोनिका मुझे मैसेज करती है कि वो ऑनलाइन आ गई है और जो चारों रिले हैं उनका स्टेटस भी यहाँ पर मैसेज में आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिले 2 ऑन है और रिले 4 ऑन है, केवल दो ही डिवाइस हमारे ऑन है, ठीक है। तो जो स्टेटस यहाँ LCD स्क्रीन पर वही स्टेटस वेरोनिका हमको SMS करके सेंड कर देगी कि ये कंडीशन है। और जैसे ये ऑन होता है, इसको जैसे ही पावर मिलता है वैसे ये ऑनलाइन का एक मैसेज दे देती है कि वेरोनिका इज ऑनलाइन, मतलब हमें पता चल जाता है कि अभी तक लाइटें बंद थी वहां पर। और जैसे ही वो ऑनलाइन आएगी यहां पर हमें मैसेज से इंडिकेशन आ जाएगा कि अभी हमारा सिस्टम जो है ऑनलाइन हो गया, ठीक है। अभी मान लीजिए हमें एक रिले को ऑन करना है, थर्ड वाली रिले को, ठीक है। तो ऑन 3 लिख के मैं मैसेज करूंगा और यहां पर ये ऑन होगी, उसके बाद यहां स्टेटस ऑन होगा और फिर वापस एक SMS आएगा कि रिले 3 इज सेट टू ऑन। इस तरह से एक फीडबैक SMS भी आता है, ठीक है। आपको एक इनकमिंग वाला सिम कार्ड इसमें होना चाहिए, है ना। ये 3G सिम पे वर्क करता है, 4G पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 3G सिम जिसमें SMS का बैलेंस और इनकमिंग हो वो वाला हमें रखना है। देखिए सारे ऑफ करने, तो ऑल ऑफ लिखेंगे हम और मैसेज सेंड करेंगे, तो एक एक करके सारे मैसेज ये ऑफ हो जाएंगे बल्ब। और यहाँ पर सबका डिस्प्ले ऑफ हो गया, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे, और यहाँ पर एक रिटर्न मैसेज आएगा और रिले सेट टू ऑफ। तो इस तरह से हम जो यहाँ से कमांड सेंड करेंगे SMS के थ्रू, उस पर ये हमारा डिवाइस परफॉर्म करेगा और एक फीडबैक मैसेज भी देगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बटन से दो ऑन किए हैं और यहाँ पर अभी मैं स्टेटस लिखूँगा। हमने अभी जो पुश बटन से दो बल्ब को ऑन किया है और अब मैं स्टेटस लिख के सेंड करता हूँ, तो स्टेटस क्या आएगा देखते हैं अभी। तो अगर हम SMS से भी ऑफ करते हैं या बटन से, पुश बटन से भी ऑफ करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो करंट स्टेटस है LCD स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही SMS हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिए जरा, रिले 1 भी ऑफ है और रिले 4 भी ऑफ है, बीच की दो रिलेज ऑन है। आप देख सकते हैं बीच के दो बल्ब यहाँ पर हमने ऑन कर रखे हैं। तो इस तरह का ये हमारा जो है सिस्टम है, काफ़ी अच्छा सिस्टम और बेहतरीन मैंने बनाया है। इसके अंदर EEP ROM भी है, मतलब मेमोरी भी है। और चलिए ऑल ऑन के लिए मैं यहाँ से मैसेज टाइप करता हूँ। देखिए हमें मैसेज जो है पूरा कैपिटल में टाइप करना है क्योंकि ऐसा ही मैंने कमांड सेट किया है, ठीक है, बिना स्पेस के ऑल कैपिटल में। ऑल ऑन का मैंने जैसे SMS सेंड किया, जैसे इसे रिसीव होगा SMS, यहाँ पर उसने 1x1 सारी लाइट्स ऑन कर दी और यहाँ पर LCD पर डिस्प्ले में सभी का ऑन स्टेटस दिखाई दे रहा है। हालाँकि अभी जो रोशनी ज़्यादा है बल्ब की, इसलिए हमें LCD पर जो भी टेक्स्ट है वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, ठीक है, कैमरा में नहीं पढ़ने में आ रहा है, असल में पढ़ने में आएगा, ठीक है। तो सभी ऑन करने के बाद यहाँ रिटर्न SMS आ जाएगा, ऑल रिलेस सेट टू ऑन, जैसा कि आप देख सकते हैं मोबाइल में। सबको ऑफ करने के लिए ऑल ऑफ का मैसेज मैं सेंड करूंगा कैपिटल में बिना किसी स्पेस के।
जैसे ये मैसेज इसको रिसीव होगा, वन बाय वन ये हर एक लाइट को ऑफ करेगा, उसका स्टेटस यहाँ LCD पे अपडेट होगा और फिर SMS आएगा हमारे मोबाइल में कि हमने सारे रिले ऑफ कर दिए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें अगर आप बनाना चाहते हैं ऐसा प्रोजेक्ट, तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे मेमोरी का टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बीच के दो स्विच जो है ऑन है, स्विच 2 और 3 जो है ऑन है। अभी मैं इसका पावर ऑफ कर देता हूँ, जैसे ही पावर ऑफ होगा, ठीक है, तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली पावर नहीं है तो लाइट्स ऑफ होना ही है, ठीक है। तो इस लाइट्स को जब वापस आएगी, जब लाइट्स वापस आती है, तो मैं वापस जब इसमें पावर कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, तो प्रीवियस स्टेट जो था, पिछले जो दो स्विच ऑन थे वो अभी भी ऑन ही मिलेंगे और जो स्विच ऑफ थे वो ऑफ ही मिलेंगे, ठीक है। और जैसे ये ऑन होते हैं, थोड़ी देर में एक SMS आएगा हमारे फ़ोन में कि वेरोनिका इज ऑनलाइन, मतलब हमारा सिस्टम जो है ऑनलाइन हो गया है, फिर हम SMS के थ्रू से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये हुआ, अभी इसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है, क्योंकि सिम कार्ड नेटवर्क कैच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको एटलीस्ट 10 से 15 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कैच हुआ, उसने मैसेज किया है कि वेरोनिका इज़ ऑनलाइन और बटन का स्टेटस हमको यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। SMS के थ्रू वो हमारे मोबाइल में भी आ जाना चाहिए, लेकिन कभी नहीं आता है, तो हम यहाँ पर स्टेटस लिखकर जब सेंड करेंगे तो हमें चारों स्विच का स्टेटस लिखा हुआ आ जाएगा। देखो इनका यूज़ कहाँ कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ हम हमारे होम या ऑफिस में, मान लीजिए कि अगर हमने AC लगा रखा है ऑफिस में और उसे भूल गए ऑफ करना, फिर हम घर पर जाके मैसेज करेंगे कि रिले वन को ऑफ कर दो, तो क्या होगा, वन पे अगर हमने AC जोड़ रखा है तो AC ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से हमने घर में जोड़ रखा है AC को रिले वन पे, और मान लीजिए कि हम मार्केट में हैं, जैसे ही हम घर पे जाएं, हम चाहते हैं कि हमारा रूम हमको चिल्ड मिले, मतलब AC ऑन मिले, तो हम मैसेज कर देंगे यहाँ से ऑन करने के लिए, और मैसेज ऑन हो जाए SMS की मदद से, हमारा जो रिले, सॉरी नॉट रिले, हमारा AC ऑन हो जाएगा। AC ऑन हो गया तो रूम चिल्ड हो जाएगा, तो वहाँ पर इसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सिस्टम हमने दिया है यहाँ, SMS के थ्रू जो है हम इनको देख सकते हैं, अपने ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब वेरोनिका इज़ ऑनलाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं ना, अगर हमें चेक करना है कि हमारी वेरोनिका ऑनलाइन है या नहीं है, हमारा सिस्टम जो है ऑनलाइन है या नहीं है, तो हम ऑनलाइन लिख के मैसेज करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिटर्न मैसेज कि वेरोनिका इज़ ऑनलाइन, मतलब वो ऑर्डर लेने को तैयार है। फिर हम अपना अगला कोई भी उसको कमांड दे सकते हैं, कमांड जो है हमने अपनी मर्जी से बनाए हैं, हम इन कमांड्स को चेंज कर सकते हैं जैसा चाहे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 रिले ऑपरेट किए, हम 4 के बजाय 8 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, जितना चाहे कनेक्ट कर सकते हैं, आर्डुइनो पर पिंस अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने जो सिस्टम बनाया है इसके अंदर GSM का यूज़ किया है और बटन्स का भी यूज़ किया है, LCD डिस्प्ले देखने के लिए यूज़ किया है, और SMS के थ्रू ये ऑपरेट हो रहा है। हम इसमें IR रिसीवर भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये रिमोट कंट्रोल भी हो जाएगा, तो IR रिमोट से भी, जब तक हम घर में हैं तब तक IR रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। घर से एक बार निकल गए, घर से ऑफिस से निकल गए, फिर भी हमें इस सिस्टम को एक्सेस करना है, तो फिर हम SMS के थ्रू इसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ होम ऑटोमेशन का सर्किट मैंने आपको जो है अभी प्रोड्यूस किया है, आपके सामने शो ऑफ किया है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स कर दीजिए, 1000 लाइक्स आने के बाद ही मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, हो सके तो इसको शेयर कीजिए अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आपको आई होप पसंद आएगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे ही देता हूँ इसमें कि किस तरह से क्या क्या कंपोनेंट हमें इसमें लगाना रहेगा। अगले आने वाले वीडियो में, इसी वीडियो सीरीज़ के अगले आने वाले वीडियो में, मैं आपको इसका सर्किट अरेंजमेंट, सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा, और साथ में ही इसकी कोडिंग भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो जल्द ही आए इस सीरीज़ का, तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट करने में पीछे नहीं हटना, ठीक है। अपने फैमिली ग्रुप्स में सेंड कीजिए, लाइक कमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं ऑन 3, तो रिले 3 को ऑन किया है, और यहाँ पे SMS में वापस आप देखेंगे कि रिप्लाई आ गया। तो इस तरह से फीडबैक SMS की जो फैसिलिटी है ना, वो बहुत ही अच्छी है। तो फीडबैक SMS कैसे लेना है, मैं आपको बताऊँगा अपने अगले आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो लाइक्स कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। रुकिए अभी मैं आपको सर्किट अरेंजमेंट बता देता हूँ आगे।
दोस्तों, जो प्रोजेक्ट मैंने अभी आपको जो एग्जिबिट किया है उसके बेसिक मॉड्यूल्स जो है आप यहाँ देख सकते हैं ब्रेडबोर्ड पर लगे हुए। हमें एक आर्डुनो यूनो चाहिए, एक 4 रिले वाला मॉड्यूल चाहिए 5 वोल्ट का, एक सिम 900A GSM मॉड्यूल चाहिए जिसमें सिम कार्ड लगा हुआ है। सिम कार्ड जो है उसमें इनकमिंग होनी चाहिए और SMS के लिए बैलेंस होना चाहिए या कोई भी SMS वाला प्लान होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम डिस्प्ले देखना चाहें लोकली तो हम उसमें एक LCD भी लगा सकते हैं। LCD हमारे लिए, क्योंकि अगर हम रिमोट एरिया में है तो हम LCD पर डिस्प्ले नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर हम वहीं पे रह रहे हैं, हम रोज एक्सेस कर पा रहे हैं, तो LCD लगा लें। 16:2 का I2C मॉड्यूल हमने यहाँ लगा रखा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर हम जो भी सिम कार्ड है उस सिम कार्ड का नंबर जो भी फ़ोन में सेव कर रखा है उसे ओपन करके उसे हम SMS भेजेंगे, ठीक है। तो जो भी SMS हम भेजते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे U लिखा है तो U से एक रिले ऑन हो जाती है, ठीक है, और V लिखता हूँ मैं तो अगली रिले ऑन हो जाएगी, तो UVXYZ, ठीक है। अगर Z लिखता हूँ तो सारी रिले ऑन हो जाएगी। तो इस तरह का मैंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है, बहुत ही इजी है। इसमें पूरा कोई वर्ड नहीं है, जैसे पहले प्रोजेक्ट में देखा था आपने कि पूरा वर्ड था ऑल ऑन, तो सभी ऑन होते थे। हालांकि इसमें भी कैपिटल और स्मॉल का केस है। अगर स्मॉल यू भेजता हूँ तो पहला रिले ऑन होता है, कैपिटल यू भेजूंगा तो वो क्लोज हो जाएगा। अच्छा, जेड मैंने अभी लिख के बजाय, देखिए सारे रिलेज इसमें ऑन हो गए हैं, ठीक है। तो सभी ऑफ करने हो तो कैपिटल जेड भेज देंगे तो सभी रिलेज ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है 4 रिले को 4 SMS के थ्रू कंट्रोल किया। इससे केवल रिले ही नहीं, हम किसी लॉक को भी ऑपरेट कर सकते हैं। लॉक एक्चुएटर मैंने आपको बनाना सिखाया था, ठीक है, उसे मैंने रिमोट से भी ऑपरेट करके आपको दिखाया था। तो यहाँ पर हम SMS के थ्रू भी उस लॉक को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम घर पे नहीं भी हैं, ठीक है, तो भी हम उस लॉक को, उस डोर के लॉक को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं SMS के थ्रू। इसके अलावा हम उसमें फैसिलिटी दे सकते हैं कि अगर लॉक नहीं किया, हमने अनलॉक नहीं किया है, फिर भी अगर कोई दरवाज़ा खोल देता है कैसे भी टेम्पर करके, तो एक रिटर्न SMS हमारे पास आ जाएगा कि दरवाज़ा किसी ने तोड़ दिया है, लॉक तोड़ दिया है, दरवाज़ा खुल गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो रिटर्न SMS की फैसिलिटी जो है इसमें, वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर रिक्वायरमेंट हो ऐसे किसी प्रोजेक्ट की जिसमें आपको लॉक को SMS से ऑपरेट करना है, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल संपर्क कीजिएगा अगर आपको SMS के थ्रू अगर कोई भी चीज़ ऑन ऑफ लॉक अनलॉक करना हो, तो इस तरह का प्रोजेक्ट कोई भी बनाना हो होम ऑटोमेशन का, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर दिए गए हैं ऊपर स्क्रीन पे, आप जो व्हाट्सअप और ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोजेक्ट पसंद आ रहा होगा, जो भी मैं आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊँ, इसकी कोडिंग के ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाऊँ, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। 1000 लाइक्स के बाद मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आपको बना के सेंड करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव गुड डे, लव यू ऑल। आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, मेरी सब्सक्राइबर की जो काउंटिंग है काफ़ी अच्छी है।